दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पति का बहुत अच्छा समय आने से पहले औरत ये पांच काम करती है जिससे पति पल भर में माला माल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है, उसे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों एक नारी अगर चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है और अगर नारी चाहे तो पुरुष को रंक से राजा बना सकती है। एक नारी घर को बनाती है और बिगाड़ती है, लेकिन जब कोई नारी अचानक से पांच काम करने लगे तब उसका पति माला माल हो सकता है। माता लक्ष्मी स्वयं ऐसे घर में अपना वास बना लेती है, सुख समृद्धि धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर एक, जो महिला अचानक से सुबह सूर्य उदय से पहले जल्दी उठने लगे, घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ जाए, जिम्मेदारियों को निभाने लगे, तो वो महिला ईश्वर की कृपा पा लेती है और उसका पति कोई भी कार्य कर ले सफल जरूर होता है, क्योंकि इनके साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती है। दोस्तों नंबर टू, अचानक से ईश्वर में आस्था रुचि बढ़ जाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है तब वो समस्त देवी देवताओं की कृपा पा लेती है। ऐसी नारी के साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती है। ऐसी नारी का पति पल भर में धन से माला माल हो जाता है, उसका व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों नंबर थ्री, अचानक से जो महिला बड़ों का मान सम्मान करने लगे, वो अपने मुख से मीठा बोलने लगे, लोगों का उसके मीठे बोलों से आकर्षित होना, उसके हृदय में ममता का वास होना, तो वहाँ पर अस्थायी रूप से माता सरस्वती वास कर लेती है। ऐसी महिला का पति कई ऊंची बुलंदियों को छू लेता है। ऐसी महिला के दर्शन करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों नंबर फोर, अचानक से पत्नी सुबह के समय पति के पांव दबाने लगे। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वो शनि देव का होता है और वहीं स्त्री की कलाई में उसकी उंगलियों तक का जो भाग होता है वो शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बनता है कि आप माला माल हो सकते हैं और आपको कभी भी धन की परेशानी नहीं होगी। इसी कारण महालक्ष्मी विष्णु जी के पांव दबाती है। दोस्तों नंबर पांच, आचार्य चाणक्य के अनुसार अचानक से जिस स्त्री की इच्छाएं सीमित हो जाए तब उस घर में उसी क्षण महालक्ष्मी का वास हो जाता है और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत व रुतबे और पैसे से मालामाल हो जाता है, मिलता है मान सम्मान, क्योंकि जहाँ पर इच्छाएं सीमित होती हैं वहाँ पर दौलत का वास हो जाता है। दोस्तों हमारे वेद पुराण में स्त्रियों के बारे में कई ऐसी जानकारी बताई गई है जिसे जानकर आप बिना पूजा पाठ के ही मालामाल हो सकते हैं। आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार ले तो उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सवेरे सवेरे औरत की ये चीज देख लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है, उस व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। दोस्तों महिलाओं में उनकी ये चीज बहुत खास होती है। आप सुबह सुबह इसके दर्शन जरूर करें, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको वो सारा फल मिल सकता है जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। लेकिन सवेरे सवेरे औरत की ये चीज जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहली बात, सुबह सुबह जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले औरतों के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे का हिस्सा होता है शास्त्र व वेद पुराणों के अनुसार इस हिस्से पर माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास होता है। ऐसे में स्त्रियों के कान के पीछे वाले हिस्से पर चूम कर स्पर्श करके महालक्ष्मी का सम्मान जरूर करें और सुबह सुबह इनके दर्शन जरूर करें। ऐसे करने वाले व्यक्ति महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करते हैं, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल सकते हैं, कभी भी पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन याद रहे, महिलाओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। दोस्तों महालक्ष्मी महिलाओं के पांच हिस्सों पर वास करती है। सुबह सुबह जब आप उठें तो माथे पर सिंदूर से सजी सवरी महिला के दर्शन जरूर करें, क्योंकि महिलाओं के मांग पर भी महालक्ष्मी का अस्थायी रूप से निवास स्थान माना गया है। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि महालक्ष्मी महिलाओं के सर पर वास करती है और इसी कारण महिलाएं अपने माथे पर कुमकुम लगाकर या मांग में सिंदूर भरकर माता लक्ष्मी को सम्मान देती है। महालक्ष्मी हमें धन प्रदान करती है,
इसी कारण से महिलाओं के सर के जो ऊपरी वाला भाग होता है, जहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है, उसके आप सुबह सुबह दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से सीधे तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो मांग भरी महिलाओं के दर्शन कर लेता है। दोस्तों, जब आप सुबह सुबह उठे तो आँख खुलते ही सबसे पहले स्त्री के चरणों के दर्शन जरूर करें। बहुत ही शुभ माना गया है। स्त्री के चरणों में भी सभी प्रकार के सुख होते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्मों को कम करने में स्त्री के चरण बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है वो सदैव ईश्वर का प्रिय रहता है। ऐसे में सुबह सुबह किसी आदरणीय व्यक्ति के चरणों को देखने पर या उन्हें स्पर्श करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। छोटी छोटी कन्याओं के चरण छूने पर या उनके दर्शन करने पर व्यक्ति महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। दोस्तों, सुबह सुबह जब आप उठें तो स्त्री की नाभि के दर्शन भी जरूर करने चाहिए, क्योंकि स्त्री की नाभि में माता पार्वती का वास होता है। माता पार्वती की सभी शक्तियां नाभि में समाहित हैं, क्योंकि स्त्री देवी का रूप मानी जाती है। इसी कारण संसार में समस्त स्त्रियों की नाभि में माता पार्वती का अस्थायी रूप से वास होता है। इसीलिए सुबह सुबह सच्चे मन और भाव से माता को याद करें और आप नाभि के दर्शन करें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य अवश्य पूर्ण करेंगी। दोस्तों, अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ शास्त्रीय उपाय भी अपना सकते हैं। दोस्तों, प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें। हो सके तो वहां पर जल भरा एक पात्र रखें, चाहे तो वहां पर जल कलश भी रख सकते हैं। दोस्तों, बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां के लोगों में परस्पर प्रेम बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी की एक तस्वीर जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं से पैसे आपके पर्स में आ ही जाएंगे। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। अपनी जेब में हमेशा कमल गट्टे जरूर रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आप अपने पर्स में पैसा टिकाना चाहते हैं, तो वास्तु के अनुसार ऐसी चीजें अपने पर्स में कभी भी ना रखें, जैसे कि खाने की चीजें। अपने पर्स में धार्मिक चीजें और पवित्र चीजें ही रखें। साथ ही आप चाहे तो रुद्राक्ष भी रख सकते हैं। इससे आपकी बरकत हमेशा बनी रहेगी। अगर आप पैसा ज्यादा खर्च करते हैं तो ऐसे में अगर आप अपने पर्स में एक लहसुन की कली रख दें, ऐसा करने से आपके पैसे जल्दी खर्च नहीं होंगे, साथ ही बरकत बनी रहेगी। लहसुन की कली को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखिए। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता की वृद्धि होती है। बरगद के वृक्ष की छांव में अगर कोई पौधा उग आया है तो उसे मिट्टी सहित खोदकर निकालें और अपने घर में लगाइए। जिस गति से ये पौधा बढ़ेगा उतनी ही गति से आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी। माह के पहले बुधवार की रात्रि में कच्ची हल्दी की एक गांठ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और अगले दिन गुरुवार को उसे पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें। इससे आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होगी। धन रखने के स्थान पर पान के पत्ते में शम्मी की लकड़ी को लपेट कर रखने से धन का अभाव कभी भी नहीं रहता। नियमित रूप से केले के वृक्ष में जल अर्पित करने और दोनों समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। औरतों के पांच अच्छे काम पति को बिना मेहनत के सबसे जल्दी करोड़पति बनाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपकी घर की महिलाएं भी करती है तो घर को बर्बाद होने से देवता भी नहीं बचा पाते। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, पति का अच्छा समय आने से पहले औरतें पांच नेक काम जरूर करती हैं, जिससे पति पल भर में माला माल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है, उसे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। घर वही होता है जहां पर स्त्री रहती है, अर्थात किसी भी मकान को घर बनाने की जिम्मेदारी एक स्त्री की होती है, जिसे वो एक बेटी, बहन, बहू, पत्नी और माँ के रूप में बखूबी निभाती है। अगर महिला चाहे तो एक साधारण से मकान को महल बना सकती है। महिला ही घर को स्वर्ग बनाती है और घर को नर्क बनाने में भी मुख्य रूप से एक महिला ही भूमिका निभाती है। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है।
स्त्रियों में देवी माँ का हर रूप देखा जा सकता है। अपने परिवार की सुख शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी एक महिला पर ही डाली जाती है। महिला और पुरुष दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं, लेकिन महिलाएं ज्यादातर समय घर में बिताती है, इसीलिए घर को संवारने की जिम्मेदारी महिला की अधिक होती है। हमारे शास्त्रों में सभी के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। आज हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार किसी भी घर की महिलाओं के क्या कर्तव्य हैं, ऐसी वो कौन सी महिलाएं हैं जिनकी गलतियों के कारण घर को बर्बाद होने से देवता भी बचा नहीं पाते, और साथ ही हम जानेंगे महिलाओं के उन अच्छे कामों के बारे में जिनसे घर में आता है सौभाग्य। तो आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहली बात, किसी भी घर में धर्म और संस्कारों के बीज बोना उस घर की स्त्री का काम होता है। इसके लिए जरूरी है कि घर की स्त्रियां भी स्वयं संस्कारी हो और पूजा पाठ करती हो। जिस घर में स्त्रियां दिन में किसी भी समय ईश्वर की आराधना ना करती हो, कभी कोई व्रत ना रखती हो, और जो स्त्रियां ईश्वर को ना मानती हो, ऐसे में नास्तिक हो, तो उस घर में ईश्वर भी रहना पसंद नहीं करते। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी अपना स्थान बना लेती है, क्योंकि अलक्ष्मी को भगवान विष्णु जी का वरदान प्राप्त है। पति के त्याग दिए जाने पर जब अलक्ष्मी जी के पास रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा था, तो भगवान विष्णु जी ने अलक्ष्मी को वरदान दिया कि जिस घर में लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे और धर्म का कोई नामो निशान नहीं होगा, तो ऐसे घर को तुम अपना निवास स्थान बना लेना। इसीलिए तभी से ऐसे घर में अलक्ष्मी व दरिद्रता रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात, घर में आए अतिथियों और मेहमानों के स्वागत और सत्कार खुशी और उत्साह से करने की जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। जिस घर की स्त्री अतिथियों के आने पर मुंह बनाती है, तो ऐसे घर से देवी देवता भी चले जाते हैं, क्योंकि अतिथियों को देवताओं के समान माना गया है। अगर उनका अपमान किया जाए तो ऐसे घर में देवता निवास नहीं करते। तीसरी बात, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि घर की महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, उन्हें भी बाहर निकलने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि उनके हर कदम के साथ दो कुलों की मान मर्यादा और सम्मान जुड़ा है, और उनका एक गलत कदम दो कुलों का नाम मिट्टी में मिला सकता है। ऐसे में अगर स्त्री किसी भी नकारात्मक जगह पर जाती है, तो इसका प्रभाव घर वालों के लिए भी नकारात्मकता लेकर आता है। इसीलिए स्त्रियों को कभी भी दोपहर के समय किसी सुनसान जगह पर या शमशान घाट पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह रात में 1 बजे के बाद वातावरण में नकारात्मक शक्तियां उजागर रहती है, ऐसे में किसी भी स्त्री को रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। चौथी बात, घर के द्वार पर आई गौ माता को स्त्री मार कर भगाती है, वह रोटी या कुछ खाने को नहीं देती है, तो उस घर में वास्तु दोष लगता है और एक नकारात्मक वातावरण बना रहता है, जिसके कारण परिवार में दुख और अशांति बनी रहती है। पांचवी बात, परिवार की स्त्रियों को किसी भी प्रकार की बहस से दूर रहना चाहिए। जिस घर की महिलाओं में ये बुरी आदत होती है, उस घर के बाकी सदस्यों पर भी इसका बुरा परिणाम पड़ता है। परिवार में कलेश का वातावरण बनता है, और माँ लक्ष्मी ऐसी स्त्री के घर में वास नहीं करती। जिस स्त्री को जल्द गुस्सा आता है, ऐसा घर बर्बाद होते देर नहीं लगती। छठी बात, कहा जाता है कि घर की महिलाओं के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है, तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, वो घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। सातवीं बात, सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी में या जिस भी सिंदूर दानी में अगर आप रखती हैं, तो वो किसी को भी नहीं देना चाहिए, और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सर पर पल्लू डालकर लगाएं। आठवीं बात, सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर में पहनी हुई पायल भी कभी किसी को ना दें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, इससे आपके पति पर संकट आते हैं। तो महिलाओं को ये गलतियां घर में कभी भी नहीं करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कौन से वो काम है जो अगर महिलाएं करती है तो उनके पति को मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक नारी अगर चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है, और वही नारी अगर चाहे तो पुरुष को रंग से राजा भी बना सकती है। एक नारी घर को बनाती है और बिगाड़ भी सकती है, लेकिन जब कोई नारी अचानक से ये 5 काम करने लगे, तब उसका पति माला माल हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं इनके घर पर अपना वास बना लेती है, सुख समृद्धि व धन चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम। नंबर 1,
जो महिला अचानक से सुबह सूर्य उदय से पहले जल्दी उठने लगे, घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ जाए, जिम्मेदारियों को निभाने लगे, तो ऐसी महिला ईश्वर की कृपा पा लेती है और उसका पति कोई भी कार्य कर ले सफल जरूर होता है, क्योंकि इनके साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती है। नंबर दो, अचानक से ईश्वर में आस्था रुचि बढ़ जाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है तब वो समस्त देवी देवताओं की कृपा पा लेती है। ऐसी नारी के साथ स्वयं महालक्ष्मी होती है। ऐसी नारी का पति पल भर में धन से माला माल हो जाता है, उसका व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। नंबर तीन, अचानक से जो महिला बड़ों का मान सम्मान करने लगे, वो अपने मुख से मीठा बोलने लगे, लोगों का उसके मीठे बोलने से आकर्षित होना, उसके हृदय में ममता का वास होना, तो वहाँ पर अस्थायी रूप से माता सरस्वती अपना वास बना लेती है। ऐसी महिला का पति कई ऊंची बुलंदियों को छू लेता है। ऐसी महिला के दर्शन करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। नंबर चार, अचानक से सुबह के समय पति के पांव दबाना। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वो शनि देव का होता है, और वहीं स्त्री की कलाई में उसकी उंगली तक का जो भाग होता है वो शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए जब भी कोई स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बनता है जो कि आपको माला माल बनाता है और आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। इसी कारण महालक्ष्मी विष्णु जी के पांव दबाती है। नंबर पाँच, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अचानक से जिस स्त्री की इच्छाएं सीमित हो जाती है तब घर में उसी क्षण महालक्ष्मी का वास हो जाता है, और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत रुतबे पैसे से ही माला माल हो जाता है, मिलता है मान सम्मान, क्योंकि जहाँ पर इच्छाएं सीमित होती है वहाँ पर दौलत का वास होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।